सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी ओम दीदी, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे योगा और थोड़ा नीचे करो माइक को, योगा मुख के सामने रखो, योगा हाँ। और एक साइड में ओलंपिक गेम्स पिक्चर और ये सब, मतलब उसमें ये बताना है कि मतलब जैसे हम भी यहाँ से बाहर थे तो इसके बारे में नहीं समझते थे कि योगा के बारे में नहीं जानते थे कि इसका मतलब रहस्य क्या है, इसका गहराई से नहीं समझते थे, लेकिन इसका यहाँ आने के बाद डिटेल समझे कि इसमें मतलब सब कुछ है, मतलब सब खुशी है इसमें। और एक साइड में ओलंपिक गेम है, फिल्म है, पिक्चर है, उसमें हम मतलब उसके बारे में ज़्यादा गहन सोच मतलब चिंतन करते थे, तो इस तरह से एक तरह से अविद्या ही था ना। और एक तरह से देखा जाए तो योगा भी किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, और ओलंपिक्स गेम क्रिकेट या जो भी पिक्चर जो भी इंटरटेनमेंट के माध्यम से लोग उसमें जाते हैं, मतलब समय पैसा स्वास्थ्य सब तरह से एक तरह से लॉस होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल। इसके बारे में प्रश्न क्या है? आप तो पहले बहुत अच्छा जानते हो, तो मैं क्या बताऊं? प्रश्न ये आपने है जो बताया वो अपने आप में ही एक बड़ा प्रवचन है, तो आपका कोई प्रश्न है वो पूछो मेरे से। प्रश्न ये है कि हमारे जैसे मतलब अविद्या जैसे अज्ञानी लोगों के लिए मतलब जानना बताना मतलब जानने वो की तो चल ही रहा है ना महाराज जी का पुरुषार्थ, अपने संगठन के जो करोड़ों भाई बहन हैं तो वो प्रतिदिन निशुल्क योग कक्षाएं चलाते हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो जागृति ला रहे हैं, लोगों को योग से जोड़ रहे हैं, फिर उससे ज्यादा ज्ञान देने के लिए आप लोगों को तैयार किया जा रहा है यहाँ, वो तो प्रयास चल ही रहा है, बैठे थोड़े ही हैं कि बस अब और कुछ नहीं करना है। जी ओम बहन जी प्रणाम। बहन जी 24वें नंबर का श्लोक है जी, इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं यदि मैं कर्म नहीं करूँगा तो सारे संसार में अव्यवस्था हो जाएगी जी। तो इसमें मैं जानना चाहता हूँ अगर श्री कृष्ण जी अगर कर्म नहीं करते तो अव्यवस्था हाँ, एक व्यक्ति कर्म ना करे तो क्या अव्यवस्था होगी जी, ऐसे लगता है ना इसमें। और ये तो मतलब अव्यवस्था भी केवल अपने घर परिवार की नहीं कह रहे, कह रहे लोक लोकांतर ही नष्ट हो जाए यदि मैं काम ना करूं तो जी। और एक बात फिर दूसरी है, श्री कृष्ण और राम को साक्षात ईश्वर का अवतार मानते हैं कई लोग। अवतार आप और हम सब हैं अवतार, ईश्वर से ही उतरे हैं सारे, ईश्वर के बिना तो पत्ता हिलता ही नहीं है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर देती हूँ कि यदि मैं कर्म ना करूं तो सारे लोक लोकांतर ही नष्ट हो जाएं। तो जो बड़ा व्यक्ति होता है उसके त्रुटि करने का जो बैड इफेक्ट है, जो दुष्प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा मार करता है। वैसे तो त्रुटि किसी को भी नहीं करनी चाहिए, कोई भी त्रुटि करेगा तो उसका परिणाम तो गलत ही होगा, लेकिन कोई जिसका जीवन का दायरा छोटा है, कार्य क्षेत्र छोटा है, वो यदि त्रुटि करे तो उससे कम हानि होती है, और जितना जितना जिसका दायरा बढ़ता चला जाता है तो उतना उतना ही फिर उसका लाभ भी उतना ही होता है, उसकी हानि भी उतनी ही होती है। तो इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य श्री जी अगर वो पुरुषार्थ करना छोड़ दें या जो उनको करना चाहिए उससे कुछ विपरीत कर्म कर दें,
तो पहले तो यहाँ जितनी भी आत्माएं रहती हैं पतंजलि योगपीठ में ही कम से कम 30,000 भाई बहन अपने अलग अलग सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं। कोई पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, कोई सेवा में लगे हैं, अपने अपने काम में सब लगे हैं, लेकिन 30,000 लोग प्रतिदिन यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और फिर पूरे देश में देखें तो करोड़ों लोग हैं जो उनका सुबह चेहरा देख करके अपने अपने सेवाएं दे के 2-1 घंटा 3 घंटा उसके बाद अपने कर्म योग में लगते हैं। ऐसे कितने भाई बहन हैं, फिर ऐसे कुछ फॉलोअर्स हैं उनको पसंद करने वाले, फिर कुछ देश के बाहर भी हैं। तो यदि एक व्यक्ति त्रुटि कर दे तो कितने लोगों के का विश्वास टूटेगा, बहुत ज्यादा टूटेगा ना। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति आए उसके ऊपर भी विश्वास नहीं जमेगा। एक तोड़ा एक व्यक्ति ने, लेकिन उस एक व्यक्ति ने केवल अपना अपना ही विश्वास नहीं तोड़ा, उस सारी परंपरा के प्रति ही विश्वास तोड़ दिया, तो सारी अव्यवस्था फैल जाएगी ना। तो सारे का सारा जो पृथ्वी लोक है, देश विदेश सब है, उसमें बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो जो बड़ा व्यक्ति है उसको अपने कर्तव्य का पालन अवश्य करना चाहिए, और अपने जैसा वो करेगा तो उसमें एक विशेष बात जो ये कह रहे हैं वो है निष्काम भाव। अगर वो निष्काम भाव से करेगा तो दूसरे भी जो सकाम भाव से करने वाले हैं वो भी उसका अनुसरण करते हुए उनको भी सकाम से निष्काम में लाना सरल होगा, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है साधक की। तो इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं। और दूसरा, यदि इनको गुरु को तो साक्षात ईश्वर का ही प्रतिनिधि माना जाता है ना, तो गुरु ईश्वर स्वरूप भी होते हैं। तो भगवान योगेश्वर आगे तो अभी तो इन्होंने थोड़ा अलग ही मतलब इनडायरेक्ट रूप से कहा है, और आगे जाके जब आप विभूति पाद पढ़ेंगे तब तो डायरेक्ट रूप से कहेंगे वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सब मैं ही हूँ, वो पूरा एक प्रसंग चलता है ना। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, एक मनुष्य मैं मांसों में ये हूँ, फाल्गुन मास हूँ, वृक्षों में ये हूँ, नागों में वासुकी हूँ, ऐसे ऐसे एक वर्णन चलता है। तो वो सारा ईश्वर परक अर्थ है कि जहां जहां भी इस संसार में कहीं श्रेष्ठता दिखाई देती है, विभूति दिखाई देती है, वो सब क्या है, ईश्वर की विशेष अभिव्यक्ति है। वैसे तो सारा ही संसार अभिव्यक्ति है ईश्वर की, पर वो अभिव्यक्ति कहीं कहीं विशेष दिखाई देती है। जैसे मान लो कोई पुष्प है, एक पुष्प खिलता है ब्रह्म कमल, वो 12 वर्ष में एक ही बार खिलता है बस, और वो भी रात को 12 बजे खिलता है और 1 घंटे के लिए खिलता है। तो जब मैं वहां बीआर हिल्स रहती थी तो तब मेरे रहते समय वो टाइम पूरा हुआ था। तो उस दिन मैं वैसे दूर रहती थी आश्रम से, तो उस दिन मेरे को स्वामी जी ने बुलाया था कि आज यहाँ ब्रह्म कमल खिलेगा तो आप देखना। तो मैं 12 बजे तक जगती रही थी, और फिर 12 बजे वो पुष्प जो खिला तो उसका साइज मतलब बहुत बड़ा था, इतना बड़ा फूल नहीं देखा मैंने कहीं भी, और बिल्कुल श्वेत कलर था उसका, सफेद। और 1 घंटे के लिए जो वो खुशबू थी तो लग ही नहीं रहा था कि ये पृथ्वी लोक की कोई खुशबू है। और सुबह तक वो आश्रम महकता रहा, बंद तो हो गया वो 1 घंटे के बाद, 1 बजे ही हो गया। तो ये ऐसे तो सारे ही फूल ईश्वर के ही हैं, लेकिन वहां ईश्वर की क्या दिखती है, एक विशेष अभिव्यक्ति दिखती है। वैसे तो जिस भी आत्मा को मनुष्य का शरीर मिल गया तो वो सारे ही शरीर क्या हैं, ईश्वर की विशेष कृति हैं। सब शरीरों में श्रेष्ठ मनुष्य शरीर ही है, पर फिर भी कोई कोई शरीर ईश्वर इतना सुंदर बना देता है कि मतलब उसको ऊपर से नीचे तक कोई इतनी भी त्रुटि दिखाई नहीं देती है। तो वहां व्यक्ति का सहज ही सिर झुक जाता है, अगर योगी है तो उसका सिर झुक जाएगा, वो कहेगा कि ये ईश्वर की विशेष विभूति है। और यदि कोई राजसिक तामसिक है तो उसमें मूढ़ता आ सकती है, उसमें रजोगुण पैदा हो सकता है। तो वो तो अपने अपने संस्कारों पे डिपेंड करता है।
लेकिन जहां जहां जो श्रेष्ठ है वो ईश्वर का ही अभिव्यक्ति है। तो आपका ये प्रश्न था कि अगर एक व्यक्ति काम नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो वो व्यक्ति नहीं होते, वो विराट व्यक्तित्व हो जाता है। फिर जो इस प्रकार के जो योगी जन हैं या गुरु जन हैं, उनका व्यक्तित्व केवल एक शरीर का व्यक्तित्व नहीं है। जैसे आज स्वामी जी बोलते हैं कि आज मेरे दो हाथ नहीं है, आज मेरे करोड़ों हाथ हैं, तो व्यक्तित्व कैसा हो गया, करोड़ों हाथ वाला हो गया। आज मेरी दो ही आंखें नहीं है, मेरी करोड़ों आंखें हैं, क्योंकि जो भी देख रहे हैं वो सब मेरा ही प्रतिरूप है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भक्त हैं, फॉलोअर्स हैं। तो यदि एक व्यक्ति ऐसे विराट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कर्तव्य का पालन करेगा तो करोड़ों लोगों को कर्तव्य में लगा देगा, और एक व्यक्ति अपने कर्तव्य से हटेगा तो फिर करोड़ों लोगों को ही वो नष्ट करने का कारण भी बनेगा। इस रूप में कहा है। ओम दीदी, दीदी कल जो हम पढ़े थे ये बुद्धि भेद के ऊपर, बुद्धि भेद के ऊपर आपने जो समझाया था जी, वो तो नहीं, मैंने नहीं समझाया, मैंने तो किसी महात्मा का आपको बताया था। फिर भी पूछिए। वो तो बात समझ में आया, लेकिन उसमें अभी जब इसको हम बुद्धि भेद कहेंगे तो जो ईश्वर है, परमात्मा है, उनके बारे में तो वेद में जो बता गया वो स्पष्ट है, और वेद में इतने सारे बताने के बाद भी ये दर्शन, उपनिषद, गीता, ये पुराण में जो कई तरीके से जो उपस्थापित किया जा रहा है, ये सब क्या है, ये बुद्धि भेद में एक सत्य का विस्तार है। नहीं, बुद्धि भेद नहीं है ये, तो वो तो पुष्टि करते हैं वेद की ही, उसका विरोध थोड़ी करते हैं। अब यूं तो आप यूं कहो कि वेद में भी चार वेद बनाने की क्या जरूरत है, एक ही काफी है, ऋग्वेद ही, सब तो आ गया। ऋग्वेद में भी फिर 10,000 मंत्र बनाने की क्या जरूरत है, एक ही मंत्र काफी है। फिर तो एक मंत्र की भी क्या जरूरत है, उपनिषद में भी कहा और महाभाष्य में भी कहा, एको शब्द सुप्रयुक्त, एक ही शब्द है काम धुक, एक एक ही शब्द अच्छी तरह से जाना जाए, आचरण में लाया जाए, तो वो ही काम धुक का काम करता है। फिर तो एक ही शब्द बहुत है, तो ये बहुत ज्यादा क्यों बताया जाता है, ताकि हमारे जो बहुत जन्मों के, जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, उनको रोज रोज घिसना पड़ता है, तो उनको अनेक तरह से समझाया जाता है। जैसे बच्चे को एक ही बात कई एंगल से समझाई जाती है, तो हम सब बच्चे हैं अपने गुरुओं के, ऋषियों के, तो वो हमें उस सत्य में प्रतिष्ठित करने के लिए, लेकिन उसमें कहीं विरोध नहीं है। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सत्य एक ही है, लेकिन जो विप्र लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो उसको अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं अपने अपने तरीके से। तो एक ही सत्य को समझाने के तरीके अलग अलग होते हैं। अब जैसे वो बिजली ऊपर से जाती है तो एक व्यक्ति इसमें देवनागरी लिपि में वहां लिख देगा कि इसके पास मत आना, यहाँ खतरा है, वो एक तरीका है। एक व्यक्ति वहां खड़ा होकर लाउड स्पीकर से बोलेगा इसके पास मत आना, यहाँ खतरा है। एक व्यक्ति ने वहां पर एक चित्र लगा दिया, वो लाल चित्र लगा होता है ना, दो सींग वाला और क्रॉस करके एक राक्षस का चित्र है, तो वैसा स्वरूप तो है नहीं बिजली का, लेकिन उस खतरे को समझाने के लिए कुछ तो ड्राइंग करनी पड़ेगी ना। तो मतलब तीन तरीके हो गए एक ही सत्य को समझाने के लिए, लेकिन सत्य क्या है, एक ही है। तो सत्य तो एक ही है, लेकिन उसको वेद के ऋषि, दर्शन के ऋषि, उपनिषद के ऋषि अपने अपने ढंग से समझा रहे हैं। तो इसमें मतलब आपको क्या आपत्ति है कि भाई इतने क्यों बनाए, तो बना दिए, अच्छी बात है, हमारा कल्याण किया उन्होंने। ये बुद्धि भेद का अंतर्गत होगा या नहीं, बुद्धि भेद कल बताया था इन्होंने। बुद्धि भेद का मतलब होता है सत्य से हटाना व्यक्ति को। तो इन्होंने तो तीन ऑप्शन कितने सुंदर दिए थे, अरे कहां तुम कर्म में लगे हो, कर्म से तो बंधन में पड़ जाओगे, तुम ज्ञान की शरण में जाओ, ये है बुद्धि भेद। मतलब जिस स्तर पे वो व्यक्ति खड़ा था उसको भी नीचे गिरा देना, ये बुद्धि भेद है। उस सत्य को अपने ढंग से बताना, सत्य में चेंज नहीं आएगा, ये तो सत्य में ही चेंज हो गया ना,
क्योंकि कर्म छोड़ देना निष्कामता है ही नहीं, ये तो असत्य है, और कर्म से कोई बच सकता नहीं, और जो कह रहे हैं वो भी नहीं बचे हैं, वो भी कर रहे हैं। जो हमें ये कह रहे हैं कि तुम कर्म करोगे तो फंस जाओगे, इसलिए ज्ञान की शरण में आओ, तो उसके लिए वो पुस्तकें बांचते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो वो क्या है, कर्म है कि अकर्म है? भी कर्म है। उनको कोई दान दे के जाता है तो वो दान लेते हैं, उस दान को लेकर के फिर योजना बनाते हैं, वहां आश्रम बनाऊं, वहां गौशाला बनाऊं, वहां गुरुकुल बनाऊं, वहां यज्ञशाला बनाऊं, फिर वो अपने शिष्यों को आदेश भी देते हैं कि ऐसे ऐसे करो आप, तो ये कर्म है कि अकर्म है? मतलब कोई व्यक्ति कर्म से नहीं बच सकता है जब तक शरीर में है, लेकिन कर्म में परिष्कार क्या हो सकता है? निष्काम कर्म हो सकता है। तो सकाम कर्म में जो लगे हैं, तो विद्वान व्यक्ति का दायित्व ये बनता है कि उसको सकाम से निष्काम की तरफ लाना है, ये तो ठीक है, और बुद्धि भेद पैदा ये करना है कि मतलब वो जो पंचतंत्र की कथा है ना, जो तो एक ने कहा कि इसको बछड़े को क्यों ढो रहे हो, फिर दूसरे ने कहा कि आपने तो कुत्ता आज कंधे पे रख लिया, इतने पवित्र ब्राह्मण हो, तीसरे ने कहा आप तो उसको मुर्गे को लेके जा रहे हो, तो अब उसकी बुद्धि में भ्रम हो गया कि ये तो वास्तव में ही मैं जो लाया था ये बछड़ा नहीं है, तो कुछ और ही आ गया, तो वो फिर उसको पटक देता है, और वो थे धूर्त तीनों, उनको चाहिए वो वाला, उनको मांस आहार चाहिए था, तो जैसे उसने पटक दिया वो भागा बेचारा, उसने सोचा ये तो कोई भूत प्रेत मेरे कंधे पे है, बछड़ा तो है नहीं, वो तो तेज से भाग गए, वो बछड़े को लेके गए निकम्मी और उसको काट के खा गए। ये बुद्धि भेद पैदा करना होता है, अपने किसी स्वार्थ के कारण अच्छे भले जो अपने कार्य में लगे हुए थे उनको अपने कर्तव्य से हटा करके और उनको भ्रमित कर देना। तो क्योंकि इस व्यक्ति ने अभी सत्य को पाया ही नहीं, अगर ये सत्य को पा लेता तो ये भ्रमित करने वाली बात कदापि नहीं कहता, और जब इसने नहीं पाया तो फिर दूसरे को कैसे दिखाएगा, तो ये मतलब उसके लिए कहा है इन्होंने। बुद्धि भेद का मतलब है उल्टा ना बताए किसी को, सत्य नहीं जाना है तो ऐसे बताए भाई इस विषय में हमारी जानकारी नहीं है, ऋषि क्या कह रहे हैं उनको पूछ लो, ऋषियों को मान के चलते हैं, इस विषय में हमारी जानकारी नहीं है, हम उसी को प्रमाण मानेंगे, वेद को, दर्शन को, उपनिषद को। हाँ जी, और दे दो, उधर दे दो। ओम दीदी जी, मेरा प्रश्न ये निष्काम कर्म के ऊपर है। जैसे हमें पिछले द्वितीय पाद में ही बताया गया था श्लोक नंबर 47 और 48-49 में, तो मैं मिला के बताना चाह रहा हूँ, दो प्रश्न है मेरे। पहला प्रश्न ये है कि जैसे इसमें बताया गया था कि हम निष्काम कर्म क्यों करें, ताकि हम कर्मों के फल के हेतु ना बने। दूसरा बताया गया था कि अपनी रक्षा के उपाय के लिए निष्काम करें, और जो सकाम कर्म करते हैं वो अत्यंत दीन होते हैं उनके मुकाबले, तो हम दीन ना बने इसलिए हम निष्काम कर्म करें। ऐसे कहां बताया है दीन ना बने? जी, इसमें ये बताया शब्द कृपणाः, श्लोक नंबर कृपणाः कंजूस होता है वो। जी, और ये एक और शब्द है इसमें अवर्णम, निम्न श्रेणी का है, तो तू इसमें रक्षा का उपाय शरणम, रक्षा का उपाय ढूंढ। तो ये कामनाएं और भी कामनाएं बताई हैं, जैसे इन्होंने कि ज्ञानी पुरुष जो है वो अज्ञानियों की बुद्धि में भेद ना पैदा करें, तो ये कामना होगी बुद्धि भेद मैं पैदा ना करूं, और उनको सत्काम कर्म करने के लिए मैं प्रेरित करूं, तो उनको प्रेरित करना ये कामना होगी। ये पहला प्रश्न है कि सारी कामनाएं ये बता के कह रहे हैं कि तू निष्काम कर्म कर, तो इसमें थोड़ा सा समझ नहीं आ, नहीं उनकी कोई कामना नहीं होती है, मतलब जैसे वेद के ऋषियों ने वेद के ऋचाओं को अपने शिष्यों को बताया, बाद में उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, या उपनिषद के ऋषियों ने उपनिषद के ऋचाओं को यहाँ तक पहुँचाया, या गीता और दर्शन के ऋषियों ने अपने ज्ञान को हम तक पहुँचाया, तो इसके पीछे उनकी ये कामना कि ये सब लोग अच्छे बने, ऐसा नहीं है, ये कामना नहीं है उनकी, ये उनकी करुणा है। क्योंकि अगर आप इसको भी कामना कहेंगे तो फिर सबसे ज्यादा कामी व्यक्तित्व तो ईश्वर का हो जाएगा,
ईश्वर ने ये सारी सृष्टि क्यों बनाई? सब सब आत्माओं के भोग अपवर्ग के लिए बनाई कि जो इन्होंने पहले कर्म किए उसका इनको फल मिल जाए और आगे के लिए एक चांस मिल जाए अपवर्ग के लिए इनको। तो हम सब का कल्याण चाहना एक कामना ही है। और फिर हम कहते हैं कि ईश्वर क्या है? अकाम। वेद के मंत्र में ही कह दिया, अकामो धीरो अमृतो स्वयंभू। वो ईश्वर कैसा है? अकाम है, कामना रहित है। तो आप कह रहे हो कि ये सारे तो काम में तो लगाते जा रहे हैं योगेश्वर कृष्ण, और कह रहे हैं कि ऐसे ही जो चला जाता है इसको प्राप्त किए बिना वो व्यक्ति तो कृपण है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। तो काम में जोड़ते चले जा रहे हैं और फिर निष्काम की बात कह रहे हैं। तो ये बात मैंने कल भी मोटे अक्षरों में लिखवाई थी कि कर्म बंधन के कारण है ही नहीं, कर्म को छोड़ना ही नहीं है, कर्म को छोड़ सकते ही नहीं है। यहाँ छोड़ने वाली चीज या बंधन में डालने वाली चीज एक ही है, उसके प्रति आसक्ति। उन्होंने तो केवल फल ही बदला, कर्म तो करवा रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कि तुम किसी और फल की इच्छा करो, इस तरह की बात आ रही है। जैसे अर्जुन जो है खुद करुणा पात्र है अभी कृष्ण जी के, तो वो और दूसरों पे करुणा करके कैसे कर्म कर सकते हैं कि दूसरे लोग मुझसे वो ना हो, मतलब प्रभावित ना हो। तो ये क्या ये प्रश्न दोबारा दोहराओ। जैसे अर्जुन जो है वो खुद कृष्ण जी के करुणा पात्र है लेकिन उनको निष्काम कर्म होने के लिए उनको खुद करुणामय होना पड़ेगा दूसरे प्राणियों के प्रति, जैसे आप बता रहे हैं। किसको करुणामय होना पड़ेगा? अर्जुन जी को, कि मेरे को देख के बाकी लोग भ्रष्ट ना हो जाए। नहीं, अर्जुन भी तो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति है ना उस युग का, तो वो तो उसको कर्म में लगाने के लिए कई सारे हेतु दिए जा रहे हैं कि आप इस दृष्टि से ही कर्म कर लो कम से कम, कि आपकी अप्रसिद्धि ना हो, लोग आपकी हंसी ना उड़ाएं, इसलिए ही कर लो, या इसलिए ही कर लो कि आपका ये स्वधर्म बनता है, आप क्षत्रिय हो। तो वो तो अनेक अनेक हेतु दे करके उसको लगा रहे हैं, जैसे कि हम लगाते हैं आप लोगों को काम में अलग अलग समय में अलग हेतु, लेकिन इंटेंशन तो एक ही है ना कि ये अकर्मण्य ना हो जाए, क्योंकि अकर्मण्य होगा, कर्म को छोड़ेगा तो इसका व्यक्तिगत भी हानि होगी और सामाजिक भी हानि होगी। और वो जैसे आपने कहा कि वो उनके कृपा पात्र हैं, कृपा पात्र हैं, इसीलिए तो इतना ज्यादा बल दे रहे हैं कि जो मेरा कृपा पात्र है उसका अहित ना हो जाए कहीं, तो इसीलिए उसको सीधी लाइन पे लेके आ रहे हैं। यदि कृपा नहीं होती तो फिर तो उपेक्षा कर देते, ठीक है भाई जैसा तेरे को करना है वैसे कर, और बहुत सारा कह करके भी फिर कहेंगे आगे, कहेंगे जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर, मैंने तो तेरे को सारा बता दिया, यथेच्छसि तथा कुरु, अब तेरी जैसी मर्जी, इतना तो सुना दिया तेरे को सारा, अब जैसी तेरी मर्जी है वैसा कर। तो कभी कभी बड़ों को मतलब इस उपेक्षा भाव में भी आना पड़ता है, लेकिन उपेक्षा भाव में आते हैं तब भी अकृपा नहीं होती है, तब भी अंदर से कृपा बनी ही रहती है। तो कभी माँ भी बोलती है ना कि ठीक है तू सुनता ही नहीं है तो तेरे को जो करना है कर फिर, ऐसे तो बोलती है, लेकिन ऐसे बोल के भी फिर उसकी भावना अंदर से क्या होती है, वही करे जिसमें इसका कल्याण हो, वो ना करे जिससे इसका अकल्याण हो। तो भाव तो वो बना ही रहे उनका, तो इसलिए वो मतलब अनेक तरीके से उनको समझा करके, और क्योंकि मुक्ति का एक एकमात्र जो उपाय है वो है ज्ञान पूर्वक कर्म करना, निष्काम कर्म, उसी को निष्काम कर्म का। केवल विवेक से, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी और केवल कर्म से भी नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान जो है वो कृति में जब तक नहीं उतरेगा तब तक उस ज्ञान का अधूरापन है, पूर्णता नहीं है। और कृति जब तक ज्ञान पूर्वक नहीं होगी, विवेक पूर्वक नहीं होगी, तब तक वो कृति अधूरी है, चाहे बाहर से उसका कितना भी लाभ दिखाई दे रहा है लेकिन उसके मूल में यदि ज्ञान नहीं है, ज्ञान मतलब निष्कामता, अनासक्ति, तो तब तक तो वो जो कर्म है वो हमारे बंधन के ही कारण बनेंगे, वो कभी भी हमें सुख नहीं दे सकते, वो दुख के, असंतोष के, तनाव के, डिप्रेशन के ही कारण बनेंगे। इसलिए ये दोनों साथ साथ वो पूरे समाज में प्रतिष्ठित करना चाह रहे हैं योगेश्वर श्री कृष्ण,
तो इसलिए वो थोड़ी देर के बाद तो सांख्य की बात करते हैं, थोड़ी देर के बाद योग की बात करते हैं, ताकि ये व्यक्ति ज्ञान से विवेक से भी परिपूर्ण हो और ये अकर्मण्य भी ना हो। क्योंकि प्रायः लोक में ऐसा ही होता है, जो ज्ञानी होते हैं वो कर्म करके राजी नहीं, बोले हम कर्म क्यों करें, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। और जो कर्म में लगे हुए हैं, घोर कर्म में, वो ज्ञान लेने के लिए राजी नहीं है, बोले हमारे पास नहीं ये फालतू की बातें सुनने का, हम अपने कर्म में लगे हैं, हमें मत छेड़ो, आप बाद में देखेंगे 60 साल के बाद, तब तक तो संस्कार बन चुके होंगे, तब क्या देखोगे, और तब चेंज हो भी नहीं पाएंगे। और कभी तो 60 साल में भी कहते हैं, बोले इस जन्म में तो जो करना था वो कर लिया, अब तो अगले जन्म में देखेंगे, तो अगले जन्म में क्या देखोगे, दिख रहा है जो चीज आज नहीं बदली जा रही वो अगले में बदली कैसे जाएगी, ऑटोमेटिक थोड़ी बदलेगी, वो तो प्रयास पूर्वक बदलना होता है संस्कारों को तो, और खुद को बदलना होता है, ऐसे कोई घड़ी थोड़ी आएगी कि उसमें सब कुछ चेंज हो जाएगा अपने आप ही, ऑटोमेटिक कभी नहीं आएगी। प्रलय भी हो गई तो प्रलय के बाद भी आप पैदा होंगे तो वो ही होंगे जो आज आप प्रलय में गए थे, बिल्कुल वो के वो होंगे, क्योंकि संस्कार तो ईश्वर का एक रूप न्यायकारी भी है और एक रूप उसका दयालु भी है, दो विशेषण है ना ईश्वर के, ईश्वर न्यायकारी दयालु। महर्षि दयानंद ने भी आर्य समाज के नियमों में दोनों विशेषण डाले हैं, दयालु और न्यायकारी परस्पर विरुद्ध है ना, दयालु हैं तो दया कर देनी चाहिए, भाई कोई उल्टा पलटा भी कर दिया किसी ने तो वो तो ईश्वर हैं, सबको माफ करो। तो अगर वो ये वाला रूप दिखाने लगे तो सारे लोक लोकांतरों में क्या फैल जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई भी अच्छा कर्म करेगा ही नहीं। न्याय करते हैं, गलत करने वालों को दंड देते हैं, तब तो लोग गलत काम करने से डरते हैं, फिर करते नहीं है कि दंड मिलेगा। तो अगर वो न्याय ना करें तो यदि वो इतने ही न्याय प्रिय हैं तो फिर तो वो तो बड़े कठोर शासक हो गए। तो कह रहे हैं कि नहीं, वो उनका दयालु रूप भी उसमें खंडित नहीं होता है, न्याय करते हैं तो भी भाव अंदर से क्या होता है कि इस न्याय पूर्ण कर्म को देख करके ही ये आत्मा कम से कम दुष्कर्मों से हट जाए और सत्कर्म में लग जाए, तो ये अपने आप में ही एक कृपा है। तो ये गुरु के भी दो रूप साथ साथ होते हैं, दयालु भी होते हैं लेकिन न्याय प्रिय भी होते हैं। ये दोनों रूप माता पिता के भी होते हैं, वो बच्चों के प्रति दयालु भी होते हैं लेकिन न्यायपूर्ण भी होते हैं। लेकिन ये है कि ये जो माता पिता और ये जो सांसारिक गुरु हैं, हो सकता है कि उनमें कहीं कोई अंश राग द्वेष मोह का आ जाए और वो पूर्ण न्याय ना कर पाए कभी, ये हो सकता है, लेकिन ईश्वर तो पूर्ण ज्ञान से युक्त है। दूसरा प्रश्न भी था, इनसे जो साथ में दोष लोग है वो निष्काम कर्म अगर हम जैसे कि अपने में लाने का प्रयत्न करते हैं तो उसके अंदर हमें फल की आसक्ति को ध्यान में रखना होता है कि हम फल को ना मतलब ध्यान में रखें, लेकिन आसक्ति की क्या जरूरत है। जैसे लेकिन हम विद्या अध्ययन करते हैं तो हमें ये होता है कि हम इतने दिन में इतना याद करें तो उसके लिए हमारे नहीं, वो तो एक उसका मतलब एक ध्येय है कि भाई ये करेंगे तो ऐसा होगा, बस उतना ही काफी है।